वो लड़का अमेरिका तो पहुंच गया है, कई बार बात हो ली, लेकिन वहाँ उसकी हालत बहुत बुरी है। नकली दुकान खोले, जितने पैसे लिए, भी सारे सुन लो भाई, ये जितने जवान बालका का भूत हो रहा है, ये इस बात ने गलत तरीके से किसी ने विदेश में नहीं जाने का तैयारी करनी है, ये ढोंकी के सिस्टम से। किसके थ्रू गए थे ये? उम्रपाल राणा चला, और एक प्रेम है जिनसे, पवन पवन जिनसे प्रेम करते हैं, वो अरेस्ट कर लिए पुलिस ने? नहीं, कोई नहीं सुना, सारा कुछ ये नहीं, वो उनको पुलिस नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं, वो है पकड़ा दिया ने क्या लिख कर कैलवा में डीसी के भी पेश हुए थे, सेट फोटो रह गए, डीएफसी रह गए, कैल डीसी के पेश हुआ सारा काम, जिस तरह ये नहीं दो ही काम थे अपना, तो कभी और बाल पे भी थे कुछ आदमी, उसकी भी आएगा, मैं कराएंगे कार्रवाई। इतना आप बड़गा मारा अगर आदमी तो उस बात में करवा देता हुआ कि आप पूरे परिवार की मतलब मेरे आप तक भी इतना ना तो जानकारी नहीं, या विदेश मंत्रालय पर दबाव बनाओ या कैसे भी इसकी कार्रवाई ना अपना कर बनाना पड़ा, क्योंकि वो अभी बिना राजनीति के पकड़ दे, वो बिल्कुल क्लियर कट है, दबाव बिना नहीं पकड़ते, जिस तरह आप भगवान ला लेते हैं, मैं तो बच्चा हूँ आपका, मैं तो आपका परिवार परिवार का सदस्य है, मारा बेटा ला ले, चाहे बिल्कुल बेटा माँ में आपका सारा इतना है, इतना भगवान का है, मारा पे तो इतना आदमियों को नहीं कोशा जो हमारी पूरी निगरानी गौर कर रहा है, हैं सीधा बोला हमारा परिवार है, कोई ना आते माँ मैंने पुलिस वाली अलग नहीं जान काटी थी, कदे बीबिया मजबूरी पड़ गई, सारा जाना पड़ गया, आप इस बात ने कुछ और सी करते हरियाणा के नहीं, 500 युवा भी एक पानीपत से है जिसकी बात हो रही थी, कुमार कहता है एक जसनदीप पंजाब से, तीन परिवार तो मेरे कंफर्म है, एक तीन बच्चे तो जिस तरह पंजाब से है लड़का और एक बच्चा है पानीपत से, तीन लड़के मेरे कंफर्म है, दोनों को पता ना करो काम कर रहा, और भी काफी पीस वाले हैं, इंडिया आना चाह रहे हैं लेकिन उनके पासपोर्ट पहुँच नहीं गए हैं, उनके वो मुझे ना पड़े कमरा के अंदर लोग करना करेगा, किसी के मैं खोलो जो उनको खाना मिले, एक बार ये खाना मिले पूरा दिन में दो बार खाना उनको नहीं मिलता, वो तो मेरे पास जो है ना एक लड़का और गया हुआ यहाँ का परमजीत, परमजीत है गाँव, वो लड़का अमेरिका तो पहुंच गया है, मेरे से बात हो रही है उसकी, कई बार बात हो ली, लेकिन वहाँ उसकी हालत बहुत बुरी है, वो एक छोटे से कमरे के अंदर 20-25 बच्चों को रोक देते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, खाने के बुरे हाल पड़े हैं, क्योंकि दो नंबर में तो उनको कुक नहीं करे, मैंने अपना जो है उससे है वो चटोली से भाई अपना वो उससे मैंने बात करी थी, मैंने किया इसको किसी तरह उसकी उसकी नंबर भी दे के उसकी बात करा दी थी, वो भी लाचार हो गया ना भाई, सब दो नंबर वाला का सिस्टम जो है ना यहाँ करने हमारे लिए भी बड़ा गलत हो रहा है, गंदा ही हो रहा है, इसको पहले दुबई का वीज़ा कंट्री कराया गया था, उसके बाद लीबिया का, उन्होंने बोलिया भी यही था कि कंट्री टू अदर कंट्री का वीज़ा लगा, सीधा अपना वीज़ा नहीं लगता है, नकली दुकान खोले, जितने पैसे लिए इसके 12 लाख में वापस जाएंगे, उसके बाद अपना जो लगा था पैसे जाएंगे, पैसे सात तरीके सारे दे दिए, और कोई भी कंट्रैक्ट को सही कोई भी
जो वहाँ के हालात है, बंदूकी वाले की खबर आई, आपने पता है, अपना खुद की जानकारी है कि 200 बच्चों के 700 बिठाए थे, 750 बिठाए थे और वो डूब गए। 14 जून की बात है, मैंने फिर ऑनलाइन चेक करी है कि वो वास्तव में यह घटना घटी। किसी भी अप्रिय घटना को भी हो सकती है, कुछ भी, और जंगलों में भी हो सकता है, कहीं कैद में भी हो सकता है, ये जैसा भी है, लेकिन जब तक हम दबाव नहीं डालेंगे जेट के ऊपर तब तक नहीं भूलेंगे। और अपना माध्यम भी नहीं है, और बच्चे भी इसमें, ये 3 तो पता लगे हमने, उस केस में 30 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, तो इन पर दार अभी दूसरी लगाई जाए। आश्वासन तो डीसी साहब ने दिए है, लेकिन जब तक दबाव नहीं पड़ेगा प्रशासन के ऊपर, मैं तो मानता नहीं की वो दार आए दिख रहे। टूर वाले बहुत लापरवाही होना चाहिए, तो बाद में जब पूरे मामला गर्म हो जाएगा उनकी सारे दिन है। कल तो है इतवार, मैं परसों आ जाता हूँ, सोमवार को एसपी साहब भी आ जाएंगे, ठीक है, परसों एसपी आ जाएगा, मैं परसों आ जाता हूँ, 10:30-11 बजे तक आ जाऊँगा और एसपी के पास चलते हैं। बिल्कुल, फिर मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा और उनसे बात करूँगा, डीजीपी से बात करूँगा। हाँ तो मैं जो है परसों आ जाता हूँ, कल तो इतवार है, एसपी नहीं परसों आना है, मैं बात भी कर लूँगा एसपी से किस टाइम हो, तो मैं परसों 11 बजे तक आ जाता हूँ, फिर एसपी के पास चलते हैं और एसपी क्या वो करता है उन पर कार्रवाई के लिए क्या आगे वो बनाता है, फिर मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। सोमवार को आ जाता हूँ, सोमवार को चलते हैं, सोमवार को चलेगा, तैयार है आपके आगे पाछा गल्ला में हम रहा। कितने आदमी आ जाएंगे? 11 बजे आ जाता हूँ, बाकी फिर डीजीपी का सीएम से मैं आगे बात करूंगा, ठीक है ना? अपनी तरफ से पूरी वो कराएं, भाईचारा पूरा तेरे साथ है, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी आखिरी उस तक जो ना बच्चे के लिए पूरी वो करेंगे, ठीक है? भी सारे सुन लो भाई, ये जितने जवान बालका का भूत हो रहा है, ये इस बात ने गलत तरीके से किसी ने विदेश में नहीं जाने का तैयारी करनी है, ये ढोंकी के सिस्टम से जाना नहीं चाहिए, मतलब कहने का ये इसका आज हालात ये हो रहे हैं, सबकी जिंदगी खतरे में है जो इस तरीके से जान लग रहे हैं। इसने भी जाना लीगल तरीके से जाना, अपना जो भी यारा प्यारा भाई भतीजा कोई परिवार में जानकारी में उसको सबको इस बात ने समझा देना, इलीगल तरीके से हमने बिल्कुल किसी बच्चे की उसको रिस्क नहीं लेना बाहर भेजने का, एक नंबर में जाओ, जान प्रॉपर तरीके से जाओ, बेरोजगारी की ऐसी तेजी हो रही है, एजेंट तो भाई जी हर कोई बन रहे हैं, बड़का नौकरी मिल जाए क्यों जाओ विदेश में? सरकार ने क्यों सरकारों की कार्यशैली की वजह से बैठा बैठा पड़े, सरकार ने मारा इमाम दो स्टैंडर्ड।